नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया VST जो कि रिदम बनाना हो या टोटल एक म्यूजिक बनाना हो तो आपको बहुत आसान कर देगा। अब देखो, इसमें इसका नाम है इलास्टिक और इसका साइज़ केवल लाइब्रेरी का 345 GB है। इस लाइब्रेरी का साइज़ 345 GB है इलास्टिक का। अभी आप आओ देखते हैं इसका कैसे वर्क है। तो ये मैंने ओपन किया और ये हो गया ओपन। सबसे पहले ये जो दिया है ऑप्शन, अभी मैं यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कोई बीट बज रहा है, अब मैंने इसको यहाँ वो किया। अब देखो, ये C1 पे चला गया। अब हमने कोई हाई हैट लिया यहाँ, एक किक बज रहा। अब इसके साथ हमको चाहिए कि हाई हैट बजाना है। अब इसमें देखो, ये जो है आप चाहते हो कि हमारा यहीं तक बजे और ये चाहते हो कि सेकेंड यहाँ तक बजे। आप चाहते हो आप ये चीज़ बजे, तो ये अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो इसका। हमें किक चाहिए कि यहीं 5 बजे यहाँ ऐसे बजे, तो आप ऐसे इसको यूज करना है। अभी इसका लाइब्रेरी आपको दिखाता हूँ सब, एक एक तो नहीं दिखा सकता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा लंबा बनने वाला है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको एक इसका झलक दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। चलिए, अब एक एक लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी भरा हुआ है। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो। अच्छा दोस्तों, ये जो इसे गिटार कोई बज रहा है, माना कि मैंने इस पे गिटार लगा दिया। अभी ये गिटार, अभी हमें चाहिए कि इसका पिच चेंज करना है।
इसको एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है ये, आप जैसा यूज करोगे एक नया नया चीज़ आपको देगा, ये बहुत काम को आसान कर देता है। ये साई तो आपने देखा ही इसका, उस हिसाब से इसका लंबाई बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे इसमें लाइब्रेरी भरे हैं। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है और इसके अंदर ऐसे ऐसे कितने लाइब्रेरी हैं, आप समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये इसका खास बात ये है कि ये आपके BPM जो रहेगा उस पर वर्क करेगा। आप चाहो तो BPM यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ दिया होगा ये टाइम, यहाँ से आप अपने हिसाब से BPM डाल सकते हो, 120 यहाँ दिखा रहा है तो। और स्केल चेंज करके अपने गाने के स्केल में ला सकते हो मेलोडी को, और रिदम तो है ही एक से एक इसमें, तो आप देखते चलो। दोस्तों बहुत से लाइब्रेरी जो छूट जा रहे हैं, एक से एक लाइब्रेरी हैं इसमें, जो सभी आपको दिखाना संभव है नहीं। दोस्तों अब इसका बीट बजाना हो तो यहाँ से आप इस टाइप का बना सकते हो। अच्छा ये बॉलीवुड में यही सब होगा, इसी टाइप का कुछ सब। मस्त चीज है ये। अब आगे देखते हैं इसको, अभी सभी ये सब में जाना संभव है नहीं एक एक दिखाने में, इसके लिए हम जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ जो भी मिल रहा है। दोस्तों इसका इससे मूवी का भी बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं साउंड्स जिससे आप बना सकते हो। नीचे चलते हैं, कोई भी उठा के प्ले करते हैं।
अलग अलग स्टाइल का सब दिया हुआ है। कुछ और नीचे चलते हैं इसमें, दोस्तों हर टाइप का है इसमें। अभी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बताऊंगा तो ये आप देख सकते हो, हर टाइप का है और बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। आप कुछ भी, मैं यहाँ से ओपन किया, ये देखो, मैं लगता है कि दूसरे VST की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। रिदम के लिए तो नहीं लगता है कि दूसरे VST की ज़रूरत उतना होगी आपको, अगर ये चीज़ आप यूज करते हो तो। फ्लूट में देखते हैं, में भी बहुत सब कुछ होगा ही। हे पारी, चलो वॉइस आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में चलते हैं, कुछ देखते हैं इसमें। दोस्तों हम बहुत सारे इसमें लाइब्रेरी जो बीच में छोड़ दिया हूँ, दिखाया हूँ थोड़ा बहुत आपको, आप समझ सकते हो ये क्या चीज़ है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 8400414 0099। थैंक यू दोस्तों।